Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. वो सारे फैंस लोग का सपोर्ट है और उनका इतना प्यार है कि इतने कम टाइम में मैंने भी मतलब सोचा नहीं था इस बारे में कि मतलब इतना प्यार मिलेगा और इतना सपोर्ट मिलेगा और मैंने साथ में हमारे मेंबर लोग ने भी टीम के नहीं सोचे थे इस बारे में बाकी बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे फैन लोग का बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी सपोर्ट करते रहो और ऐसी प्यार करते रहो इंशाल्लाह मैं और अच्छे अच्छे एल्बम सॉन्ग लाऊंगा और अभी बैक टू बैक बहुत सारे आने वाले हैं आज मेरा यूट्यूब चैनल भी लॉन्च था मगर मेरा ब्रांड का भी था लॉन्च तो वो थोड़ा मिस वी थॉट कि हम थोड़ा स्पेस आउट कर देते हैं इसका यूट्यूब चैनल अगले महीने तक पक्का आ जाएगा लेकिन हमें लगा इंशाल्लाह और हमें लगा ये जो हम ब्रांड अभी लॉन्च किए 2407 क्रश दैट विल स्टार्ट विद दिस एंड कॉन्टेंट तो ज़ोरों शोरों से बन रहा है तो यूट्यूब चैनल प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू इट वेरी सून फैंस लोग को और ज़्यादा करके फैमिली मेम्बर्स को मेरे कंटेंट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं क्लीन कंटेंट बनाता हूँ और ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज़ वही बोलते हैं और इंशाल्लाह मैं जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा तो मेरा कंटेंट भी कुछ सेम ही रहेगा जो फैमिली को अच्छा लगे तो मैं क्लीन कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पर चैनल एक ही होगा चैनल एक ही होगा उस बारे में बताना चाहता हूँ मैं जब लंदन में था तो हमारे टीम मेंबर के सागर सर है तो वो एक फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं तो मैंने वहाँ लंदन में स्मेल किया था तो मैंने उनको मेरी मतलब उनकी याद आई तो मैंने उनको कॉल किया तो सर ने बोले कि मतलब तेरे फैंस लोग से भी तू ऐसी कनेक्ट है तो एक काम करते हैं कोई ऐसी चीज़ निकालते जिससे फ़ैन्स तुझे याद करे तू इतना अपडेट देता है फ़ैन्स लोग को तो मैंने सोच लिया था कि सर फ्रेगनेंस पर कुछ करते हैं और डीओ स्टार्ट करते हैं तो जो कि अभी तक किसी ने किया नहीं है कोई इन्फ्लुएंसर ने भी नहीं किया तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं अभी इसको लेकर बहुत सारे आइडियाज़ हैं आस्ते आस्ते रिवील करेंगे प्लीज़ स्टैंड बाय बिकॉज ये जैसे फैजू ने कहा था उसके लाइव पे भी कि ब्रांड अभी लॉन्च हुआ है ब्रांड का पहला प्रोडक्ट ये है तो आस्ते आस्ते वी विल कीप अनाउंसिंग बट इसको एक ढंग से करें इट्स वेरी एक्साइटिंग बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिली बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली है कल रात 11:59 तक ये स्पेशल ऑफर ओपन है तो वी लर्ज ऑल द फैंस टू ट्राई एंड टू गेट इट यू जो फैजू ने ये फैम क्लब भी लॉन्च किया है तो इस ऑफर में कल 12 बजे तक कल रात को 12 बजे तक ये मेंबरशिप कार्ड उनको विद इन टू वीक्स पहुंच जाएगा और मेंबरशिप कार्ड पे जो सरप्राइजेज हैं 20 लोग को भी हम चुन रहे हैं जो मीट एंड ग्रीट करेंगे फैजू के साथ इंडिया में मुंबई से नहीं पूरे इंडिया से वो 20 लोग आएंगे और मेरा उनके साथ में पर्सनली पोर्टफोलियो शूट होगा और उनकी फ्लाइट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हम करेंगे रियलिटी शो कौन सा शो मैं रियलिटी शो अच्छा रियलिटी शो की बात है तो मुझे आया था 2-3 ऑफर रियलिटी शो का मगर मुझे हाल फिलहाल अपने फैंस लोग से दूर नहीं रहना है क्योंकि उन लोगों को जो पसंद है मेरा रेगुलर अपडेट तो जो मैं उन्हें देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत पसंद है कि उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और अच्छा इंगेजमेंट मिलता है मुझे मेरे फैंस ऐसे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं मतलब उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि मैं कुछ स्टॉक में रख के अपलोड करूँ वो चाहते हैं कि आप डेली जो करते हो वो मुझे दिखाओ तो मैं जो करता हूँ मेरा मैं मतलब डेली जो अपलोड करता हूँ वो डेली मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ और डेली अपलोड करता हूँ तो उन्हें वही चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा पसंद है इनकी लाइफ ही एक रियलिटी शो है अगर आप देखोगे हिज लाइफ इज़ ऑनलाइन सोशल पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है और इसलिए हमने ये जो फैन क्लब लॉन्च किया है इनका तो उससे डीपर अगर कोई जाना चाहता है जो सुपर फैंस हैं उनको वो जो ज़्यादा रियलिटी शो है वो वहाँ पर उनको दिखेगा तो इसलिए हमने एक स्टेप डीपर गए हैं जो सबको दिख रहा है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी उससे ज़्यादा अगर डीप जाना चाहते हैं तो ये फैन क्लब के थ्रू वो जा सकते हैं कनेक्ट ये सर बोलेंगे तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं फैजू इज़ द नेशनल क्रश और तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या नाम रहे
कि ये इसका जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च है डियो को क्रश बोलें, और वैसे भी क्रश है, मतलब जो फ्रेग्रेंसेस हैं जैसे आप देखते हो बाकी डियोडरेंट्स के जो एड्स होते हैं, इट्स अ लॉट अबाउट इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, तो क्रश हमें बहुत अच्छा नाम लगा और कनेक्ट भी था बहुत अच्छा फैजू के साथ। ज्ञान देखिए अदनान इतना टैलेंटेड है कि मतलब उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं और ना उसे कुछ बोलने की ज़रूरत है, और हम लोगों को पता है वो जीत के आएगा, और उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री किया है और बहुत अच्छा कर रहा है वो, और मेरे को पता है कि वो जीत के आएगा। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, आज अगर अदनान होता तो यहाँ पे होता, और बाकी मेरे टीम मेम्बर्स भी है वो भी आ रहे हैं सब रस्ते में। इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह 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 ही बोलूँगा। सॉरी क्या क्वेश्चन था? टिकटॉक बंद हो जाएगा? जो बीच में जो हाँ जो बीच में बैन हुआ था। अच्छा अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि पिछले 3 महीने से फैजू एक्चुअली टिकटॉक पे है नहीं, आपको ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है हर रोज़ फैन मुझे भी पूछते हैं कि आप आईडी कब लाओगे, आप आईडी कब लाओगे वापस, तो ये एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है। जैसा आपको पता है हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, वो उनके हाथ में है, हम उनके साथ डायलॉग में रहते हैं, लेकिन ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ तक फैंस के बारे में बात है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे तो फैजू के साथ कनेक्टेड ही हो, यू नो यूट्यूब पे भी हो, और ये बढ़ते जाएगा। तो मुझे लगता है इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी हैं, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कनेक्ट कर सकते तो दूसरा प्लेटफॉर्म है। अभी आपने देखा इंस्टाग्राम पे भी म्यूज़िक आ गया है, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो उनकी जो वो टैलेंट है वो अभी उसको इंस्टाग्राम पे भी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चलते रहेगा। कोर टैलेंट इन्फ्लुएंसर्स के अंदर है, फैजू जैसे है, टीम 07 है, और बहुत से दूसरे जो ये न्यू एज टैलेंट है उनके अंदर वो हुनर है। प्लेटफॉर्म इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बट दे कैन मूव बिटवीन प्लेटफॉर्म्स क्वाइट सीमलेसली। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं एक्चुअली, बिल्कुल आप आज देखोगे काफ़ी सारे जो आज फैजू ने इनवाइट किए हैं उनके जो दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि के साथ जुड़े हुए हैं, तो इफ़ यू आर हियर यू विल सी देम ऑल। बट टुडे इज़ अबाउट फैजू एंड 2407 क्रश। थैंक यू। You're welcome, thank you. So I think we just if you guys are here, we just do a key cutting with you. With
थैंक यू। सामने सामने लेके बैठा या ओके पहले तो मैं वो ब्रांड के बारे में बोलूँगा कि मैंने आज सुबह देखा और हम लोग को पहले से मालूम था कुछ होने वाला है, बट जो ड्रास्टिक मतलब ग्रोथ हुआ और हम लोग सब लोग देख रहे थे कि कितना फटाफट सेल हो रहा था उसका, सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ फेजू एक्चुअली कि उसके पास इतने एक्टिव ऑडियंस है। एंड हम तो ऑलवेज प्राउड, बस यही दुआ रहेगी कि उन लोग हमेशा जो कर रहे हैं और बढ़ते जाए, अल्लाह उनको और तरक्की दे एंड इंशाल्लाह आई वुड लव टू सी देम ऑन टॉप। या ये क्वेश्चन हमेशा आता है हर एक के बर्थडे में, तो वो मेरे को नहीं पता रहता है ना, मैं अंदर जाऊँगा उसके बाद बाहर आऊँगा फिर बताऊँगा कि अंदर क्या होने वाला है। वो पर्सनल होता है ना गिफ्ट्स एंड ऑल सरप्राइज, तो वो आराम से पहुँचेगा उनके पास समथिंग स्पेशल। हाँ मैंने एंट्री देखा, जैसा कि विकास सर ने बोला कि जो लोगों के कंबाइंड फॉलोअर्स नहीं है उतने अदनान के अकेले गए और अदनान इज़ अ शेर, सो अदनान गया है, तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि जो लोग अंदर है प्लीज़ बच के रहो, वो थोड़ा हैट्स ऑफ है। रीसेंट गाना या उसके लिए भी बहुत खुश हूँ क्योंकि उसका पहला सोलो वीडियो रहेगा, सो आई एम वेटिंग ईगरली वेटिंग टू सी हसनैन की वो गाने में कैसा काम कर रहे हैं, और अकेला है फिलहाल, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड पता है उसका एक्सप्रेशन एंड ऑल, ही इज़ रूलिंग इट फॉर एक्सप्रेशंस, सो अच्छा ही रहेगा, नो डाउट्स। इंशाल्लाह वेरी सून आई एम गोना कम अप विद समथिंग वेरी बिग, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, तो जस्ट वेट फॉर इट। वी आर वर्किंग राइट नाउ विद अ सिंगर, उनका नाम भी बहुत जल्दी रिवील करेंगे, काम भी बहुत जल्दी रिवील करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली दुबई से आया हूँ जस्ट टू फॉर द बर्थडे ऑफ फैजू। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा नाम है, 24/07 क्रश बाय मिस्टर फैजू, ही इज़ इंडियाज नेशनल क्रश, सो एंड इट्स हिज़ बर्थडे, और इस मौके पे जब ये ब्रांड लॉन्च हो रहा है तो आई थिंक नथिंग बिगर देन दिस, एंड माई ऑल विशेज़ फ्रॉम मी एंड माई फैमिली फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट टू हिम बाई हिज कंपनी। हम लोग बहुत जल्दी आपको एक न्यूज़ देने वाले हैं, आई थिंक ऑन द 7th or 8th हमारा नेक्स्ट सॉन्ग का टीज़र आ रहा है, एंड इट विल ब्लो यू, इट्स दैट एन अमेजिंग सॉन्ग एंड अ टीज़र। या यू विल सी वेरी सून वेरी बिग नेम्स ऑफ बॉलीवुड के साथ हमने एसोसिएट किया है।
में सबके साथ काम कर रहा हूँ आपको देखने मिलेगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, आई जस्ट लाइक यू नो दैट काम आते रहे आप देखते रहो। यस, हमने अभी एक गाना शूट किया, मेरी गलती किसी को पता नहीं होगा ना, 7 तारीख को रिलीज हो रहा है, सो आपको बता दिया। एनी एल्स कम यार, बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस रोमांटिक, या फर्स्ट मतलब किसके साथ होगा? फर्स्ट तो शनाया के साथ होगा जो कि फियांसी है, उनके साथ ही होने वाला है, उसके बाद करते प्लान। बहुत एक्साइटमेंट, आई एम टू लेट, मैं काफ़ी लेट हो गया आने में, ट्रैफिक एंड ऑल, बट मैं बहुत जल्द आने वाला था, मैं सोचा था कि मैं बहुत जल्द आने वाला यहाँ पर आऊँगा, लेकिन लेकिन बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बस देखते रहो आगे और क्या होने वाला है, अपने भाई गए अंदर तो मज़ा तो आएगा, बट ऑब्वियस। हाँ जी, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वेलकम। भाई भाई अरे शेफाली आगे मत जाओ। किशन मोबाइल किशन भाई तू भी आ रहा है, मोबाइल भी आ रहा है, थोड़ा सा पीछे आ जा, फर्क नहीं है। अरे भाई कोई हैवी गा रहे हैं इनको, हां आ रहे हैं, पापा आएंगे सब टिकटॉक पे गा रहे हैं। क्या किया प्रियंका मैडम? भाई साहब प्रियंका मैडम भाई, थैंक यू फॉर वेटिंग, बहुत बहुत शुक्रिया वेट करने का, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा ये शाम को 6 बजे उठते हैं, सुबह के 6 बजे नहीं, सुबह 6 बजे सोते हैं, शाम को 6 बजे उठते हैं। भाई कैमरा रो नहीं है, मैडम मैडम ओके राम जी गाओ भाई, काले शर्ट वाले थोड़ा अंदर से लो यार। भाई सिर भाई सिर आ रहा है, सभी आ रहे हैं, अभी क्या आ रहा है, साइड में तो भाई क्या हाल है, बहुत 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 वो सुन रहे हैं आप,
ए ए भाई 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 सिर आ रहा है मैडम 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 तो मत यार अदनान नहीं है, अदनान टीवी शो पे है, लेकिन ये अदनान के अबू हैं और अपने भी अदनान से भाई है, ये रैपर है, बहुत बहुत अच्छा रैपर है, इसका भी गाना आ रहा है बहुत जल्द भाई गुफी जाओ अरे भाई तुम्हारा सर आ रहा है यार मैडम मैडम तो मत मैडम मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मेरा DOB लॉन्च हुआ है और बाकी सारे भी है, मेरे ग्रुप के दो मेंबर नहीं है, अदनान और शादान। अदनान एस ऑफ स्पेस में गया है और इंशाल्लाह वो जीत के आएगा वहाँ से, और शादान थोड़ा जिम में बिजी है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए और थैंक यू सो मच आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, मेरा बर्थडे और स्पेशल हो गया। मैं तो उसको सुबह से फोन कर रहा कब मिल रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है, यहाँ पे आने में भी थोड़ा टाइम किया हसनैन ने, वो बुरा लगा थोड़ा, बाकी ठीक है, बहुत खुशी है। और डिओड्रेंट भी अभी लॉन्च हुआ और दस लाख तक कमा लिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो मैं कल ही दुबई से आया और थक गया हूँ, सुबह से सो रहा तो मैंने देखा अभी और बहुत खुशी होती है। हसनैन का भी आपको बहुत जल्दी एल्बम सॉन्ग दिखेगा अश्नूर के साथ में, या मेरी गलती तुम्हारी गलती थी भाई, तभी यही बोला उसने मेरी गलती। आप दोनों ने यूज़ किया डिओड्रेंट, कैसा लगा आपको पैसों का? नहीं अभी जो प्रोडक्ट है वो अभी आया नहीं है, तो अभी उसकी प्री बुकिंग ही हो रही है और प्रोडक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये प्री ऑर्डर है और हम चाहते हैं कि फैजू के, एक्चुअली हमने ये बात बताई नहीं अब तक, जो 20 लोग हम चूज करेंगे मीट एंड ग्रीट के लिए, जो लकी विनर्स होंगे उनके साथ हम ये जो फ्रेग्रेंस है हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, लेकिन वो जो 20 लोग होंगे मिलके फैंस के साथ मिलके एक फ्रेग्रेंस लॉक होगा और वो दिसंबर में शिपिंग होगी उसकी। फैजू आपसे जानना चाहेंगे, ये बर्थडे तो आपके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन पहले जब आप टिकटॉक पे नहीं थे, फेमस नहीं थे, तब कैसे सेलिब्रेट करते थे आप अपना बर्थडे, थोड़ा सा अगर फैंस को बताया? तभी भी मैं सेलिब्रेट करता था मगर तभी इतना प्रोफेशनली नहीं होता था जो अभी हो रहा है, मतलब फ्रेंड्स लोग को बुला लिया, कॉलेज फ्रेंड्स लोग को बुला लिया, बस ऐसे ही करके हम लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लबिंग वगैरह पार्टी वगैरह करते थे और अभी नेक्स्ट टाइम और मैकडी चले आ रहे हैं। सीक्रेट तो शेयर नहीं कर सकते, सीक्रेट शेयर ही बहुत सीक्रेट आता है। कोई फैमिली शेयर कर सकते हैं आप लोग जिनके साथ में रहे हैं इतने समय से, कुछ ऐसा जो आज आप बताना चाह रहे हैं मीडिया को? हमारा कॉलेज टाइम जो हम साथ में बर्थडे तब जब गए थे मैकडी में गए थे और तो वो टाइम पे मतलब हम लोग कॉलेज टाइम में ना मतलब बर्थडे कैसा बनाते थे कि मतलब सुबह सुबह मिले हम लोग 5-6 दोस्त लोग केक काटे फिर मैकडी गए फिर वहाँ से घर, बस ज़्यादा नहीं करते थे 8-10 लोग, पहले वो चीज़ सुबह होती थी, अभी थोड़ा अलग तरीके से रात में हो रही है। मैं अगर चाहता तो जो मैं इलाके में रहता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज है और जहाँ मैं रहता हूँ मुझे बहुत पसंद है वो जगह, कल को अगर मुझे कोई जगह दूसरी भी कोई बोलेगा कि आप शिफ्ट हो जाओ यहाँ वहाँ तो मैं वो जगह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी लोगों के जो एजुकेशन के मामले की बात है तो वहाँ पे स्कूल वगैरह बहुत अच्छी है और मैं वहाँ पे स्कूल वही स्कूल से पढ़ा भी हूँ, और डेवलपमेंट की बात है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है तो पिलर्स वगैरह टावर्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। एक्साइटमेंट तो है लेकिन हमें जो थोड़ा दूर भी है वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जो हिसाब से उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत अच्छी है तो ऐसा लग रहा है कि हिट मार के आएगा और फर्स्ट आएगा फर्स्ट। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आपने भी कि कंट्रीब्यूशन क्या होगी, शायद फैजू थोड़ा
काफ़ी हम्बल है, वो ज़्यादा बोलते नहीं इसके बारे में, लेकिन हमारी प्राइवेट इसके बारे में जो बात होती है कि जो आप देखोगे इनका जो कंटेंट है ये बहुत केयरफुली वो कंटेंट जब वो चूज़ कर रहे हैं कि ये कंटेंट फैमिली के लिए होना चाहिए। उसने पहले भी कहा था आज अर्लियर टुडे कि वो क्लीन कंटेंट होना चाहिए। जो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है पांचों का मिलके कि एक रोल मॉडल सेट करें कि क्या सही तरीका है, क्योंकि इनके फैंस इतने सारे हैं ताकि अगर वो जो कंटेंट देख के वो एक पाथ चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि वो कंटेंट सही पिक करें और एक रोल मॉडल सेट करें बच्चों के लिए और यंगर फैंस के लिए स्पेशली। एंड इसलिए वो एक चीज़ है, ये सब करना, एक बिजनेस खड़ा करना वर्सेस जस्ट डूइंग यू नो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड प्रमोटिंग अदर ब्रांड, एक खुद का अपना ब्रांड। तो आप देखोगे आगे जाके हम पूरे टीम 07 के लिए ये लॉन्च करना चाहते हैं, हमने फैजू के साथ स्टार्ट किया है। तो दैट इज़ द लार्ज प्लान कि एक बिजनेस खड़ा करें और सिर्फ इन्फ्लुएंसर एक पार्ट है लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे अलावा एक बिजनेस भी खड़ा करें। तो बहुत मजा आई पहली बार, मतलब मैं कोई लड़की के साथ शूट किया ऐसा, मैं डर हां इसने कोई लड़की है पहली बार शूट किया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा शर्माता है, माता बहुत है, फोटो डालते हैं सिस लव बोलता है उसमें, सबको क्लियर कलर की सिस लव ही है। बहुत मजा आने लगा आप लोगों को, बहुत बहुत। और अंबिली मैनन कैसी थी जिनकी जिन्होंने गाना गाया है उसमें, और रामजी गुलाटी ने शूट, रामजी गुलाटी बहुत क्लासिक शूट, बहुत मजा आई। और देखिए तो अभी जैसे हम लोग ने ये वीडियो बनाए थे तो इसमें एक हम लोग मॉरल मैसेज के साथ में आए थे और वो लोगों को बहुत पसंद भी आया, और ज्यादा करके आप देख सकते हो उस कंटेंट पे आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेंगे जो कि कंटेंट पे आते हैं, मगर वो बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज था हम लोग की तरफ से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट जो हम बनाएंगे वो भी एक मॉरल मैसेज के साथ में होगा। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भाई, मेरे को आगे भी 6 घंटा नहीं हुआ। आ रहा भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अदनान डैड, अदनान डैड, अब्दुल भैया उस पे मत, थोड़ा सा आराम से, आराम से कुछ नहीं कर रहे डन भैया, प्लीज अब करने दीजिए हमको, लेट हो रहा है, हम लोग साथ में चाहे यहाँ। ओके थैंक यू, नीचे से, नीचे से, नीचे से सारे लोग आ रहे हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, फैजू का परफ्यूम क्रश लॉन्च हुआ है और आई थिंक मैंने स्टोरीज देखी उसकी, बहुत अच्छा कर रहा है ये, सो रियली हैप्पी फॉर हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके इसके अलावा हम आपके एल्बम की बात करते हैं, तो आपका एल्बम तो मिलियन अभी हिट क्रॉस कर रहा, ट्रेंडिंग में आ गया है, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे? हाँ सबको बहुत अच्छा लग रहा है गल करके, उसमें मेरा काम को बहुत पसंद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और अभी भी वो ट्रेंड कर रहा है, अभी भी यूट्यूब पे वो ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे ही हो रहा है और 13 मिलियन व्यूज़ हो गए 2 दिन में, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो, तो थैंक यू सो मच, आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। ओके हमने एक और एक आपकी स्टोरी देखी अपनी के साथ और आपका वापस से एक और एक शूट हो रहा है, म्यूजिक वीडियो अटैचमेंट, क्या कहना चाहोगे? वो अटैचमेंट है जिसका हम शूट कर रहे हैं मैं और अवनीत, और जो कि बॉर्न ब्रॉस के लेबल में लॉन्च होगा बहुत जल्द, तो उसकी शूट हम कर रहे थे उस दिन, और आई होप कि हमने जो शूट किया वो अच्छे शूट हो और अच्छे से हम आपको प्रेजेंट कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ बोलो, रिपोर्टर ऐसे खबरें हर चीज की रखते हैं, सब खबरें रखते हैं, इस बार डबल सरप्राइज है, तो फैजू का बर्थडे प्लस उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है डिओड्रेंट का, कितनी एक्साइटमेंट है अंदर जाने की? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है फैजू ने ये किया है, बिकॉज उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ गई है ऑलरेडी और बढ़ रही है धीरे धीरे, और मैं बहुत खुश हूँ दैट फैजू इतनी छोटी उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है और सभी लोगों का दिल जीत चुका है, इतने फैंस हैं उसके और इतने लोग उसे चाहते हैं पसंद करते हैं, तो ये वक्त बहुत सही है,
वो माशाल्लाह से अपनी बॉडी भी बहुत अच्छी बना दिया है, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। ओके, सो फैजु के लिए क्या सरप्राइजेस आज आपने प्लान किए हैं, आज उनका बर्थडे है? मैं यहाँ पर आया हूँ, वही एक सरप्राइज है। ऑलराइट, ओके सर, फैजु के काफी एल्बम आ रहे हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं सोचा है कि कोई एल्बम निकाले फैजु पे? इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सलीम सर। All the best है, very happy birthday and may God bless Faizu. I know Sameer very well, Sameer Bangara. So and you know I think he's also closely linked with the brand. So all the very best to him also. He's a very close friend. ओके आपसे जानना चाहेंगे रवि, यू नो जब ऐसे टिकटॉकर्स जब इतनी हाइक ले रहे थे और आप लोगों की काफ़ी मेहनत के बाद भी इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल साइट हो इतने फॉलोअर्स नहीं बढ़ते जितने ये टिकटॉकर्स के बढ़ जाते हैं। जो मेहनत करे उसको डेफिनेटली खूब बेनिफिट मिलना चाहिए, खूब लोगों का प्यार मिलना चाहिए ऑलवेज। ओके रवि जमाई राजा, मतलब दिन ब दिन बढ़ता ही, मतलब फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ती जा रही है, हिट पे हिट लाइक काफ़ी अच्छा जा रहा है वेब सीरीज, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार मिल रहा है जमाई 2.0 जी, वी ऑलवेज वेरी वेरी थैंकफुल, गॉड इज़ वेरी काइंड एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑल्सो। आपने खूब अच्छा अच्छा ही बोला है शो के बारे में, एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट बिकॉज ऑफ यू ऑल, थैंक यू। ओके सरगुन कहाँ है? सरगुन जी पंजाब में शूट कर रही है। कैसी चल रही है? पूछना था हमें कैसी चल रही है उनकी शूटिंग। जबरदस्त चल रही है सौर्या, हाँ जी हाँ जी, सो शी इज़ शूटिंग फॉर सौर्या द पिन राइट नाउ एंड हमारी जो प्रोडक्शन है वो आने वाली है 15 तारीख को, 15 नवंबर को झल्ले, सो जस्ट कीप योर गुड विशेज गोइंग। आप लोग पीछे हो जाओ ना यार थोड़ा सा भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, अभी नीचे लो, अब ऊपर डन देयर, वहां पर नो प्लीज टेक हिम, बहुत डन डन डन, थैंक यू सर। Please, I'm done. Yes. Yes, look here. Yes. Go.